Hello students, I am Bridges Giri, your physics teacher. Welcome you all in online classes of our college. Okay, आज हम पढ़ेंगे superposition principle. ठीक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि गुलाम का नियम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है, ये सब आप जान चुके हैं. तो अभी इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि superposition principle क्या होता है. ठीक है, तो आप देखते हैं, आइए देखते हैं superposition principle के बारे में. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, यदि किसी निकाय में एक से अधिक चार्ज अवेलेबल हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि एक निकाय है जिसमें Q1 चार्ज है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कई सारे चार्जेस दे रखे हैं. ठीक है, और Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो है वो R12 है, Q2 और Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है, इसी प्रकार Q1 और Q4 के बीच की दूरी R14 है, Q1 और Q5 के बीच की दूरी R15 है. ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखते हैं. तो यदि हमें निकालना है कि Q1 पर Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट डॉट Qn के कारण कितना बल लगता है, तो इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द्वारा ही निकाल सकते हैं, क्योंकि गुलाम का नियम केवल दो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में ही बताता है. ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, सपोज अगर दोनों पॉजिटिव हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो किन्हीं अन्य आवेश की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है. ठीक है, तथा इसी भी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो विद्युत बल होता है, नेट विद्युत बल होता है, वो सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत बलों के योगफल के बराबर होता है. जैसे देखते हैं Q2 के कारण Q1 पर सपोज दैट जो बल लगता है वो है F4 on 1 Q2 पहले पर दूसरे के कारण, इसी प्रकार Q3 के कारण Q2 Q1 पर जो बल लगेगा वो भी बल से होगा, क्योंकि हम मानते हैं दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये होगा 4 on 1 due to 3. ठीक है, इसी प्रकार Q4 के कारण क्या होगा, 4 on 1 due to 4. इसी प्रकार Q5 के कारण क्या होगा, 4 on 1 due to 5. ओके, डॉट डॉट Qn के कारण अगर आप निकालते हैं तो मान लीजिए 4 on 1 due to n. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि Q1 पर Q2 Q3 Q4 Q5 Q.Q.n इन सभी आवेशों के कारण जो नेट बल लगेगा वो इन सभी बलों का सदिश योग होगा. कैसे होगा, तो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स ऑन चार्ज Q1 F नेट, हमें यहां निकालेंगे नेट फोर्स. ओके, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1 F नेट इज इक्वल टू 4 on 1 due to charge 2 plus 4 on 1 due to charge 3 plus 4 on 1 due to charge 4 डॉट डॉट डॉट, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जब भी हम कई आवेशों के कारण किसी एक आवेश पे विद्युत बल निकालेंगे तो एक एक आवेश के कारण विद्युत बल और उनकी दिशा निकाल के और उनका सदिश योग कर देते हैं. सदिश योग करने से हमें नेट फोर्स मिल जाता है किसी एक आवेश पे. ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं. जैसे सपोज दैट इक्वेशन दे रखा है कि एक वर्गाकार एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा a है, a यूनिट है इस वर्ग की प्रत्येक भुजा, और इसके चारों कोनों पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा हुआ है. चारों कोनों पर प्लस क्यू कूलम का आवेश रखा है,
मान लीजिए वर्ग ए बी सी डी है, तो पूछता है कि डी वाले चार्ज पर नेट फोर्स आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कूलाम का नियम लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ए के कारण बी पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो हमें दूरी पता है क्योंकि ये भी क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसका डायरेक्शन दूर होगा। तो मान लीजिए फोर्स ऑन डी ड्यू टू चार्ज ए है, तो हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज डी ड्यू टू चार्ज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 q इनटू q बटे बीच की दूरी a स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर है? a से d की ओर, फ्रॉम a टू d, ठीक है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम b के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, तो b से इसका सबसे पहले हमें दूरी निकालना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये भुजा ये है, ये है, ये भी ये है, तो ये होता है a रूट टू। तो प्लस क्यू से प्लस क्यू की दूरी कितनी है? a रूट टू, और क्योंकि ये पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, तो इसकी दिशा किधर होगी? b से d की ओर, तो होगा यहाँ पे फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। तो इसको कैसे निकालेंगे? फोर्स ऑन डी ड्यू टू चार्ज बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 यानी q गुणे q बटे बीच की दूरी कितनी है? a रूट टू का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दूसरे के कारण भी हो गया, c पर रखे चार्ज के कारण निकालते हैं, ठीक है? तो c पर रखे यहां प्लस q है, बीच की दूरी a है, तो ये इसे रिपेल करेगा, तो लिखेंगे फोर्स ऑन d ड्यू टू चार्ज c, इसकी दिशा किधर होगी? c से d की ओर, और इसकी दिशा किधर होगी? ड्यू टू चार्ज c तो आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q, दोनों चार्ज का परिमाण समान है, बटे बीच की दूरी, सॉरी इसके बीच निकालना ना, तो q इनटू q बटे बीच की दूरी a स्क्वायर, और इसकी दिशा किधर है? c से d की ओर, तो आप लिखेंगे फ्रॉम c टू d। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये है सेकंड, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है? अब हम यहाँ पे तीनों आवेशों के कारण यहाँ बल और बल की दिशा ज्ञात कर लिए, तो अब नेट बल हमें निकालना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे बल सदिश राशि में सदिश योग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए इन दो बलों को देखिए, या फोर्स ऑन डी ड्यू टू चार्ज सी और फोर्स ऑन डी ड्यू टू चार्ज ए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, ठीक है? अब हम इसका वियोजन कर देते हैं, रिजोल्यूशन कर देते हैं। तो रिजोल्यूशन करेंगे तो ये जो इसके साथ, वो इसके साथ है, इसमें क्या आएगा? थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट है वो आता है एफ डी सी कॉस 45 डिग्री, ठीक है? इसी प्रकार यहां से जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा एफ डी सी साइन 45 डिग्री। सिमिलरली इसको भी ब्रेक करेंगे तो 45 थीटा से लगा हुआ जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और उसका मान क्या होगा? एफ डी ए कॉस 45 डिग्री, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? एफ डी ए साइन 45 डिग्री, ठीक है? आप इसको पैरेललोग्राम रूल से भी लगा सकते हैं, वेक्टर वियोजन से भी लगा सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में देख रहे हैं आप ये दोनों, देखिए क्योंकि ये दोनों फोर्सेस परिमाण में आप देखिए बराबर है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों फोर्सेस परिमाण में बराबर है, केवल दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें परिणाम ही मिलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? बी से डी की ओर, और इसमें तीन फोर्सेस आप देख रहे हैं काम कर रहा है, तो आप लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज डी एफ नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका पहला तो आपका है एफ डी बी प्लस दूसरा है एफ डी सी कॉस 45 डिग्री, एफ डी सी कॉस 45, और एक और है एफ डी ए कॉस 45।
एफ डी ए कॉस 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए आप सिंपल, तो लिखेंगे एफ नेट इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है, ऊपर क्यू स्क्वायर भी सब में कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर भी कर लीजिए कॉमन, और देखेंगे आप इसका भी वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर भी कॉमन है, तो ए स्क्वायर भी कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इसका मान रखेंगे, एफ डी बी का मान क्या है, बचेगा आपका 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर, सब में कॉमन है, तो केवल cos 45 कर देंगे, तो cos 45 का मान होता है 1/√2 + 1/√2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² / a² और ये मान कितना जाता है 1/2 + 2/√2। ठीक है, 2 times कर जाएगा तो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² / a² √2 + 1/2, ये आ जाता है नेट फोर्स। ठीक है, और इसकी दिशा किधर होगी, फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बी टू डी। ठीक है, तो ये ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये एग्जांपल है, ऐसे आपको सवाल लगाने होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।